भाई खोलने का ही नहीं है, चाहिए रहा। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेरी पुरानी वाली स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे मतलब मेरी बहन पढ़ती थी, और अभी 12th का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट लेने ही जा रहे। मतलब वैसे तो पास ही है, वो तो पता चल गया था ऑनलाइन, बट वो लेने जा रहे हैं और LC भी लेनी है, तो अभी हम जा रहे हैं मेरी पुरानी वाली स्कूल में। अभी हम निकल चुके हैं स्कूल की तरफ, और मेरी स्कूल का नाम है जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल और थर्मल में लोकेटेड है। सो गाइस ये रहा थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ से मतलब सारे पावर सप्लाई होते हैं, और बालासिनोर में भी यहीं से आता है शायद। देखिए जूम करके देखिए, बस अब यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। बस अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे, वो दुकान दिख रही है ना उस तरफ, और ये राइट साइड पे नर्मदा कैनाल, अभी जाते वक्त दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ से सीधा ये शायद यहाँ से दिखेगा, देखो ये रही ये पेड़ आ गया बीच में, यहाँ से सीधा ही रास्ता है। देखो वो बस दिख रही है ना येलो कलर की, बस वहीं पे जाना है। ये पूरी कॉलोनी बनाई हुई है, पेरेंट्स को भी रहना हो, फैमिली को रहना हो तो, और मतलब स्कूल के अंदर हॉस्टल्स तो अवेलेबल है ही। ये जो यहाँ से दिख रही है, यहाँ से दिखेगी ये JJIS हॉस्टल दिख रहा है ना, ये देखो ये गर्ल्स हॉस्टल है, और बॉयज़ हॉस्टल दूसरी बिल्डिंग में, आपको दिखाता हूँ। ये मेन गेट है, यहाँ से एंटर होंगे अभी, कोई नहीं है, जाने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बसेस यहाँ पे रखी हुई है, और बाकी सब अपने अपने रूट के हिसाब से वहीं पे रखते हैं ड्राइवर्स। अभी स्कूल के अंदर सिर्फ 9 है और 50+ बसेस है यहाँ पे। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी स्कूल क्या क्या है, कैसा कैसा दिखता है। ये है मेन बिल्डिंग, और ये देखिए यहाँ पे है छोटे बच्चों का ग्राउंड है, नर्सरी फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड लोगों को यहीं पे खिलाते हैं। और ये अब आए मेन एंट्रेंस में, यहाँ पे हम यहाँ से एंटर होने का, ये मेन एंट्रेंस है। और ये है यहाँ पे रिसेप्शन, पहले हमको 3rd स्टैंडर्ड में जब ये बनी थी नई, तब यहाँ पे हमको डांस क्लासेस करवाते थे। और ये है पूरी लॉबी, यहाँ पे सब ऑफिसेज है, स्टाफ रूम है, प्रिंसिपल ऑफिस थी वहाँ पे, और यहाँ पे सब क्लासेस है 1 to 10 स्टैंडर्ड यही बिल्डिंग में, और 11-12 दूसरे बिल्डिंग में। और ये जो दिख रहा है ना, वो है कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर
कंप्यूटर लैब है ये पूरी, अंदर से एसी वाला है इसलिए पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है। और अब मैं आपको एक बहुत ही पुराना वाला मेरा फोटो दिखाना हूँ, वॉल पे लगा हुआ है यहाँ पे। तो एक दो तीन, ये रहा, ये देखो, मैं मेरे फ्रेंड के साथ, तीर्थ गर्वी नाम है उसके साथ, मैं खा रहा था डाइनिंग हॉल में, तब की फोटो है ये। और ये यहाँ पे गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, ये देखिए गुजराती में। सो गाइस, अभी ये है दूसरी बिल्डिंग, यहाँ पे 11th 12th है और टॉप फ्लोर में बॉयज हॉस्टल है। और यहाँ पे दूसरा है, ये वॉशरूम है। और अब हम बहुत ही अच्छी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बच्चों को क्लास से ज़्यादा मज़ा आता है। और ये है ग्राउंड, देखो कितना बड़ा ग्राउंड है, अभी कबूतर खेल रहे हैं लॉकडाउन में, ये देखो, वाह सही है, बहुत खेला यहाँ पे। सो गाइस, ये है डाइनिंग हॉल, यहाँ पे बैठ के लंच करते हैं। देखिए चार चार का टेबल है यहाँ पे। और ये यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे 11th 12th है और टॉप फ्लोर पे ये भी डाइनिंग हॉल बंद है अभी। सो गाइस, अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर पे, सब काम खत्म हो चुका है, अब हम वापस जा रहे हैं, फिर कभी मिलेंगे, स्कूल को कह रहा हूँ आपको नहीं। इजरारा इंटरनेशनल स्कूल, काफी लंबी बस हो गई, लगता है नहीं ये स्काई लाइन, बढ़िया बढ़िया। तो ये रहा मेन गेट और हम बाहर निकल रहे हैं। ये रही नर्मदा कैनाल, ठीक स्कूल के बाहर से ही जाती है यहाँ से। वहाँ देखो कितना मस्त दिख रहा है। बस भाई बहुत हो गया, अब हम जा रहे हैं घर पे। तो गाइस, सो बस आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दो फटाफट से और शेयर करो, कमेंट करो, बताओ कैसा था। और बस सब्सक्राइब तो करते ही हो आप लोग, तो फटाफट से, मतलब आपने अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, अपन अच्छे अच्छे ब्लॉग डालेगा। अभी तो यार मतलब इतना कुछ ज़्यादा बाहर नहीं जाने का होता, मतलब हाँ मतलब यहीं बाहर, मतलब कि सिटी में जहाँ पे मतलब मैं पढ़ता हूँ अहमदाबाद में, तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा ना तो बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब ब्लॉग्स डालूँगा। बाल अभी मतलब थोड़े गीले हो गए क्योंकि अभी अभी बस
बहुत गर्मी है भाई। बस आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखना। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।